हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर। इतिहास के क्रम में हम बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, जो कि प्राचीन इतिहास का एक सीरीज चल रहा है बच्चों। और हमने मौर्य साम्राज्य तक जो है बच्चों ख़त्म कर लिया है, मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में, उनकी प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। बच्चों आज जो हमारा इतिहास होगा वो हम आगे के क्रम में देखेंगे शुंग वंश, कर्ण वंश और यहाँ पे सातवाहन वंश बच्चों, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से प्राचीन इतिहास के अंदर बदलाव के क्षण आते गए बच्चों, और ये प्राचीन इतिहास धीरे धीरे जो है अपने बदलाव के क्रम में पहुंचता गया मौर्य साम्राज्य के बाद आने वाले ये साम्राज्य बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इनके बारे में, क्योंकि परीक्षा से बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है इनसे बनते हैं। क्योंकि मौर्य साम्राज्य हुआ या फिर गुप्त साम्राज्य हुआ, सब लोग तैयार करके जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन फंसता है बच्चों वो इन्हीं वंशों से फंसता है। अगर क्वेश्चन एक आध इसमें से फंस गया तो बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहीं पर ये क्वेश्चन आपके मेरिट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का ये पूरा सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, चूंकि जब हम देखें कि मौर्य साम्राज्य का जब अंत होता है तो मौर्य साम्राज्य के बच्चों सबसे जो अंतिम शासक था वो बृहद्दत्त था बच्चों, ठीक है ना। आप देख पाएंगे यहाँ पे मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वो बृहद्दत्त था, और बृहद्दत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। याद रखिएगा पूरी की पूरी कहानी, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पूरे मौर्य का, या फिर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के उस समय जो भी अनुयायी थे बच्चों, उनका जो है एक तरह से इन्होंने पूरा का पूरा नरसंहार किया पुष्य शुंग मित्र ने, और यहाँ पे कह सकते हैं कि शुंग वंश की नींव डाली बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को याद रखना है, और मौर्य वंश का विनाश भी इसी के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा। और इसके बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा आपकी, इंडो यूनानियन शासक था मिनांडर, उसको भी इसने हराया था पुष्यमित्र शुंग। याद रखिएगा ये चीज, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने की बच्चों। देखिए जो भी यहाँ पे कंटेंट बनते हैं बच्चों, सारे कंटेंट को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगा, और कम समय के अंदर वीडियो छोटा बनेगा और हम लोग सारी चीजें यहाँ पे देख पाएंगे बच्चों, ठीक है। आइए आगे देखेंगे हम लोग। पुष्यमित्र शुंग ने दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया, और आप कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण कह सकते हैं ब्राह्मण शासक था, और इसने मौर्यों का नरसंहार किया था, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ कराया इसने। अश्वमेध यज्ञ कराने का मतलब ये होता है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना बच्चों, ठीक है। अगर कोई भी राजा अश्वमेध यज्ञ करा देता है तो वो जो है एक सर्वश्रेष्ठ राजा बन जाता है, और इसी वजह से इसने क्या किया, दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया था बच्चों, ठीक है। इसमें होता क्या है, घोड़े के मुकुट पे एक चुनौती लिख करके घोड़े को विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां तक घोड़ा जाता है बच्चों, ठीक है ना। अगर उस चुनौती को किसी ने स्वीकार कर लिया तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी ने भी अगर उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो ये माना जाता है कि उसने राजा की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया है। आप देख पाएंगे अगर आपने रामायण देखा होगा तो प्रभु श्री रामचंद्र ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था, और अपने घोड़े को चुनौती के साथ उन्होंने विचरण के लिए छोड़ा था, और उन्हीं के पुत्रों ने उनकी चुनौती स्वीकार की, जिनका नाम लव कुश था बच्चों, ठीक है ना। अब देख सकते हैं कि दो बार इसने अश्वमेध यज्ञ कराया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि भरहूत स्तूप जो है उसका निर्माण किसने कराया था। स्तूप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिएगा, मैंने आपको जब बौद्ध धर्म पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया स्तूप का मतलब होता है महात्मा बुद्ध के अवशेषों पे निर्मित गोलाकार कह सकते हैं आकृति, ठीक है बच्चों, स्तूप कहलाती है, जिसमें कि मैंने आपको सांची वगैरह के स्तूप को भी बताया था। तो भरहूत स्तूप जो है उसका निर्माण पुष्य शुंग मित्र ने कराया, और आप देख सकते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था, ठीक है ना, वो देवभूति था बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जितना यहाँ पे जरूरी है ना उतना ही देखेंगे बच्चों, ये नहीं कि सारी चीजें, जितना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। अब अगर आप जो है इंटरमीडिएट पास करके अभी आप गए हैं तो आप आराम मत कीजिएगा बच्चों, आप पढ़ाई में लग जाइएगा, क्योंकि अगर आप आराम करने के चक्कर में पड़ गए ना तो जो आपकी पढ़ाई का एक टच बना हुआ है वो आपसे निकल जाएगा, और बाद में फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। याद रखिएगा आप जो है ना 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु में जो आपके अंदर एनर्जी रहती है ना,
वो एक अलग प्रकार की एनर्जी है और उसके द्वारा आप कोई भी किला तोड़ने के लिए आराम से कर सकते हैं, सारे काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है पढ़ाई बेटा वो सिर्फ मजबूरी बन जाती है, और जब कोई चीज़ मजबूरी बन जाती है तो उसमें दिल नहीं लगता, जब दिल नहीं लगता है तो वो चीज़ें अच्छी तरह से हो नहीं पाती हैं। इसलिए कहता हूँ अभी आपके पास टाइम है, आप जो है जी लगा करके कंपटीशन निकालिए और उसके बाद जो है अपना जीवन अच्छे से बिताइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे शुंग वंश का जो अंतिम शासक देवभूति था, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब शुंग वंश का विनाश करके एक नया वंश आता है जिसे कर्ण वंश कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देवभूति जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या वासुदेव ने कर दी, जो कि कर्ण वंश का शासक था बच्चों, वासुदेव ने करके 73 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना करता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना जानिएगा कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, कर्ण वंश आया, और यहाँ पे इनके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कौन इसकी स्थापना किया, तो वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा, याद रखिएगा ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सुशर्मा बच्चों, क्योंकि इसी सुशर्मा का जो है वध करके सिमुक ने क्या किया, सातवाहन राजवंश की स्थापना की। तो यानी कि यहाँ तक हमने दो वंशों की चर्चा कर ली है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पे सातवाहन वंश, यहाँ पे सातवाहन जो है इनको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में बनता है, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, क्योंकि अब तो एसएससी सीजीएल के अंदर भी जो है जीएस का क्वेश्चन दे दिया गया है, चाहे आप जितने भी एग्जाम जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उनमें जो है सातवाहन से एकाध क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, और बच्चों बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिमुक ने 60 ईसा पूर्व की स्थापना की, याद रखिएगा जो सिमुक था उसने सुकर्मा का वध करके 60 ईसा पूर्व में सातवाहन राजवंश की स्थापना करता है ये, ठीक है ना, कब, 60 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, सिमुक ने। और लगभग 200 वर्षों तक ये क्या करते हैं, दक्षिण भारत के राज्यों पे ये शासन करते हैं, बहुत सारे इतिहास इनको कहते हैं कि ये आंध्र के क्षेत्र में ये लोग शासन करते थे, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि महाराष्ट्र के उत्तरी और कह सकते हैं कर्नाटक तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था बच्चों, ठीक है ना। अगर आगे देखेंगे तो सातवाहन राजवंश की जो राजधानी है बच्चों वो प्रतिष्ठान है, और ये प्रतिष्ठान है कहाँ पे, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बच्चों ये, ठीक है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी के किनारे ये प्रतिष्ठान जगह स्थित है जो कि सातवाहन राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो प्रतिष्ठान के अंदर, कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे, और किस नदी के किनारे, तो गोदावरी नदी के किनारे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे तो सातवाहन वंश के बहुत सारे शासक थे जिनका मुख्य नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो शासक जो है पहला सिमुक था जिसने की सातवाहन वंश की स्थापना की, सतकर्णी था, गौतमी पुत्र सतकर्णी है बेटा, वशिष्ठी पुत्र है, पुलुमावी है, यज्ञश्री सतकर्णी, यानी ये जो आपके नाम है ये सातवाहन वंश के मुख्यतः राजा कह सकते, विशेष प्रकार के राजा थे ये, ठीक है ना, याद रखिएगा इनको, क्योंकि इनका इतिहास में बहुत सारा महत्व है। अब आगे जो है बच्चों हम इनके प्रशासनिक इकाइयों के बारे में, इनकी आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं। तो आप याद रखिएगा इनकी जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वो मौर्य साम्राज्य से बिल्कुल भिन्न नहीं थी बच्चों, इनकी प्रशासनिक इकाइयाँ लगभग लगभग मौर्य साम्राज्य के जैसे ही थी, जैसे उन्होंने अपनी प्रशासन के बारे में व्यवस्था किया वैसे इन्होंने भी क्या किया, अपने आप को क्या किया कि प्रशासन में मौर्यों के प्रकार से ही ढाला बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बात और याद रखिएगा कि सातवाहन जो है अपने आप को ब्राह्मण बताते थे बच्चों, ठीक है, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना, क्योंकि बहुत सारे अभिलेखों से भी पता चला है कि ये जो शासक थे इस समय के वे अपने आप को ब्राह्मण बताया करते थे, यानी आप कह सकते हैं कि जो सातवाहन राजवंश है वो एक प्रकार का ब्राह्मणों का राज था, ठीक है ना। देखिए शास्त्रों में कहा जाता है कि क्षत्रिय को ही जो है शासन करना चाहिए, लेकिन सातवाहनों ने अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया, और पूरे धर्मशास्त्रों के अनुसार ही जो धर्मशास्त्र के कानून थे उन्हीं कानूनों के अनुसार ही अपने राज्य का इन्होंने क्या किया, संचालन किया बच्चों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसू यज्ञ कराया था। आप
देखिए पुष्य शुंग मित्र ने भी दो अश्वमेध कराए थे, लेकिन यहाँ पे जो सत्कर्णी राजा है बच्चों, उसने क्या किया था, एक तो अश्वमेध कराया और एक राजसु यज्ञ कराया। यहाँ पे याद रखिएगा, एक अश्वमेध और एक राजसु यज्ञ कराया था, ठीक है ना। आगे देखेंगे बच्चों, इस काल के जो है साहित्यकार, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन से साहित्यकार जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। चार ऑप्शन दे देगा और चार में से आपको इन दो का नाम दे देगा बच्चों, ठीक है ना। अगर इन दोनों का नाम आपको दे दिया गया तब आपकी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों का तो नाम पता होता है, पर सातवाहन वंश के बहुत सारे कम ही बच्चे जो होते हैं वो इनके साहित्यकारों का नाम जानते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि जो साहित्यकार थे सातवाहन वंश के, वो पहला हॉल है और दूसरे कौन है बच्चों, गुड़ादे, ठीक है ना। गुड़ादे जो है ये भी एक साहित्यकार हैं और हाल भी जो है वो सातवाहन वंश के साहित्यकार हैं। इनकी कृतियां क्या क्या थी बच्चों, ठीक है ना। तो हाल की जो कृति थी वो गाथा सप्तशती थी बच्चों, गाथा सप्तशती जो थी वो हाल की रचना थी, और क्या बृहद कथा जो है वो थी बच्चों गुड़ादे की, ठीक है। बृहद कथा जो है वो गुड़ादे की रचना थी, तो इस बात पे भी जरा आप गौर करिएगा और नोट करते चलिएगा, इसीलिए मैंने लिखा है मेहनत लगती है बच्चों। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेहनत लगता है। ये मेहनत केवल इसीलिए करता हूँ बच्चों कि आप जो है अच्छे से नोट्स बना पाएं और एग्जाम में आपकी एक बेहतर तैयारी हो, और आप एग्जाम में बैठे तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए आप बहुत ही तेजी से उसको हल कर दें बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे, सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए। देखिए यहाँ पे मौर्यों की तरह या गुप्तकालीन की तरह जो है बच्चों, गुप्तकाल में जो है सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए सर्वाधिक मात्रा में। और ये शीशा लाया कहाँ से जाता था, रोम से। इटली की जो राजधानी थी रोम, उस रोम से लाया जाता था शीशे के सिक्के बच्चों, याद रखिएगा इन सारी चीजों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल क्या शीशे के ही सिक्के रहते थे, नहीं, शीशे के साथ चांदी, तांबा, कांसा और कह सकते हैं कि जीतल वगैरह का भी जो सिक्का है आपका वहां मिलता था, प्रोटीन वगैरह का भी सिक्का जो है यहाँ पे मिल जाता था, लेकिन कह सकते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्का था वो शीशे का ही था बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया, ठीक है ना। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देना प्रारंभ किसने किया, तो सातवाहनों ने किया। इस बात को भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दूसरी चीज अगर आपको याद करनी हो तो ब्राह्मणों को जो ये भूमि दी जाती थी वो कर मुक्त हुआ करता था, उससे कोई भी अधिकारी, जो भी कर संग्रहण करता अधिकारी है, वो ब्राह्मणों से कभी भी कर नहीं लेता था बच्चों, ठीक है, कर लेने के लिए जाता ही नहीं था, याद रखिएगा। और ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के ही कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों लोगों का जो संरक्षण है वो सातवाहनों का प्राप्त था बच्चों, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के लिए भी, जो भी बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे या आप कह सकते हैं कि जो भी ब्राह्मण थे, इन सबको सातवाहनों से संरक्षण प्राप्त था बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कहा जाता है कि देखिए सातवाहनों की जो राजकीय भाषा है ना वो प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है बच्चों, ठीक है। लिखने की जो भाषा होती है, जैसे हमारी इस समय हिंदी भाषा है और जो लिपि है देवनागरी है बच्चों हमारी, उस समय जो यहाँ पे भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि जो है ब्राह्मी थी। तो आप इससे थोड़ा सा कनेक्ट करके देखिएगा मौर्य साम्राज्य से, जब आप मौर्य साम्राज्य से इसको कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो प्रशासनिक इकाइयाँ, जो उनके बोलचाल थे, जो उनकी लिपियाँ थी, उन्होंने भी अपने जितने भी अशोक का आप देखेंगे, अशोक की जितने भी कह सकते हैं कि भारत के अंदर आपको पाए गए शिलालेख बच्चे, उसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया था। और सातवाहन काल में भी बच्चों क्या हो रहा है, प्राकृत और यहाँ पे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मात्र सत्तात्मक ढांचा था इनका, ठीक है। इनका जो एक कुल था वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक कैसे इतिहासकारों ने कहा, क्योंकि प्रत्येक राजा जो था अपने नाम के आगे माता का जो है वो शब्द जोड़ता था, माँ का नाम जोड़ने के बाद ही अपना नाम जोड़ता था। जैसे कि आप देख सकते हैं गौतमी पुत्र सत्कर्णी, ठीक है ना, वशिष्ठि पुत्र, ठीक है। तो ये सब जो उपाधियां हैं, माँ का नाम जो है पहले लगाते थे, इसलिए कहा जाता है कि ये जो ढांचा था इनका वो मात्र सत्तात्मक था। लेकिन बच्चों इनका जो राजकुल की जो ढांचा था वो पितृ सत्तात्मक था। राजकुल का मतलब अगर कोई पिता है, पिता अगर मर जाता है या फिर पिता का जो उत्तराधिकारी होता है वो हमेशा पुत्र ही हुआ करता था, कोई स्त्री नहीं हुआ करती थी, इसलिए राजकुल जो है बच्चों, अगर कह सकते हैं कि जो राजतंत्र था इनका वो पितृसत्तात्मक था।
हमेशा पुत्र ही क्या बनता था, राजा बनता था बच्चों, पुत्री यहाँ पे राजा नहीं बनती थी। अब यहाँ देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन गौलमिक के द्वारा होता था। याद रखिएगा ग्रामीणों का जो है बच्चों यहाँ पे, अगर आप मौर्य साम्राज्य से कनेक्ट करें तो वहाँ पे गोपों के द्वारा होता था। ग्रामीण क्षेत्र की जो पूरा प्रशासन था गोप के द्वारा होता था और 10 गांव को एक गोप देखता था, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा प्रशासनिक चेंजिंग है वो मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन गौलमिक देखता था बेटा, ठीक है ना, इसको भी आप लिख के चलिएगा। और आप याद रखिएगा कि अमरावती और नागार्जुन कोंडा स्तूप सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और आप देखेंगे अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा कि बौद्धों के निवास के लिए वहां पे बिहार और क्षेत्र का निर्माण सातवाहनों ने बहुत बड़ी मात्रा में कराया बच्चों, ठीक है ना, जिसमें कि दो स्तूप आप देख सकते हैं, एक अमरावती एक नागार्जुन कोंडा। अमरावती के अंदर बच्चों जो बौद्ध स्तूप है, उस बौद्ध स्तूप के अंदर जो है बच्चा बौद्ध की कई सारी मूर्तियां हैं जो बौद्ध गौतम बुद्ध के जीवन काल से संबंधित हैं और पूरे जीवन काल की कहानियों को बयां करती हैं अमरावती स्तूप के अंदर। वैसे भी आपका नागार्जुन कोंडा भी स्तूप है जो कि सबसे प्रसिद्ध इस काल का है, जो कि सातवाहनों के द्वारा निर्मित कराया गया। और कह सकते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं भी जो है सातवाहनों के द्वारा बनाई गई बच्चों, ठीक है। बाद में भी बहुत सारी गुफाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो जो है आगे हम देख लेंगे जब आगे का इतिहास देखेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ मौर्य साम्राज्य के अंदर थी, लगभग कह सकते हैं कि 80% जो है उन्होंने मौर्यों के ही प्रशासन को अपनाया था बच्चों, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रशासनिक विभाग को यहाँ पे राष्ट्र कहा जाता था, और वहाँ पे प्रशासनिक विभाग को कहा क्या कहा जाता था मौर्य साम्राज्य के अंदर, मैंने आपको बताया था तीर्थ कहते थे बच्चों। वहाँ पे जो विभाग थे 18 विभाग थे और शास्त्र के अनुसार, और वहाँ पे 18 विभागों को बच्चों तीर्थ कहा जाता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे और जो विभाग हैं उनको राष्ट्र कहा जा रहा है, और विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको महाराष्ट्रिक कहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो विभागों के अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता, महामात्र कहते थे मौर्य साम्राज्य के अंदर बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो कुछ परिवर्तन हो रहा है मैंने उसको लिख दिया प्रशासनिक परिवर्तन, प्रशासनिक विभाग को राष्ट्र कहते थे और उनके उच्च अधिकारियों को महाराष्ट्रिक कहा जाता था बच्चों, ठीक है। सात वाहनों के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में आ सके बच्चों, ठीक है। इन सारे चीज़ों का आप नोट्स बना के जाइएगा, इससे बाहर आपको सात वाहन से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, और जो भी आपका ये शुंग वंश है, कर्ण वंश है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वीडियो बड़ा हो और आपके लिए जो है बोरिंग लगे, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटा रहे, लेकिन छोटा ही वीडियो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा काम कर जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।